हेलो दोस्तों, मैं हूं सहनशाह बख्शी और आज हम बात करेंगे यमहा की FZS वर्जन 3 के बारे में। हम बात करेंगे कि 25,000 किलोमीटर चलने के बाद इस बाइक का क्या रिस्पांस है, क्या निगेटिव है, इस बाइक के अंदर क्या अच्छी चीजें हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यमहा FZS के इंजन से। यमहा 149cc का एयर कूल इंजन प्रोवाइड करती है, साथ साथ 12.4 BHP का पावर जो की 7250 RPM पे आपको मिलेगा और साथ ही टॉर्क 13.3 Nm का है जो काफी आपको बाइक फुल अच्छी मिलेगी इसके अंदर। कोई भी आपको यहाँ किक का ऑप्शन नहीं दिया गया है, बाइक सेल्फ स्टार्ट ही रहेगी और यहाँ एक इंजन कॉल है, इंजन गार्ड कहते हो आप, ये प्लास्टिक का है, कोई ऐसी सेफ्टी फीचर्स नहीं है, ये बाइक के लुक को एनहेंस करने के लिए सिर्फ दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं बाइक कितनी रिलायबल है। बाइक का इंजन 149cc के साथ होते ही काफी स्मूथनेस प्रोवाइड करेगी आपको, हैंडल पे बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं होगा, सेकेंड गियर तक तो थोड़ी बहुत फील होगी, थर्ड के बाद से काफ़ी स्मूथनेस मिलेगा आपको। गाड़ी में छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहेगी, ब्रेक शूज वगैरह आपको चेंज करने होंगे टाइम टू टाइम। बाइक को फ्रंट से काफ़ी डेविल लुक दिया गया है, आप कंप्लीट लाइट का सेटअप देख सकते हैं। यहाँ आपको यमहा की एक बैजिंग मिलती है, उसके जस्ट नीचे हाई बीम और लो बीम, नीचे छोटी सी हेलोजन लाइट यूज की गई है जो काफ़ी लुक को एनहेंस करता है। और नीचे बात करें, काफ़ी हेवी सस्पेंशन दिया गया है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है आपको, नीचे प्लास्टिक के मड गार्ड है मैट कलर के, जहाँ ABS का स्पीकर मिलेगा आपको और 17 इंच का ट्यूबलेस टायर यूज किया गया है। टायर प्रोफाइल 180 और 17 इंच का अलॉय है। बाइक के साथ 282 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है आपको, साथ साथ ABS सिंगल चैनल, और साइड से बाइक दिखने में ऐसी है कि इसका टैंक काफ़ी मस्कुलर है, 30 लीटर का टैंक मिलता है आपको। यहाँ पे एक यमहा की बैजिंग मिलती है और सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छी कुशनिंग दी गई है इसमें, दो आदमी बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। सीट हाइट गाड़ी का 790 mm है और बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है। सीट हाइट ऐसी है कि 5.5 इंच के बंदे के लिए भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, काफ़ी अच्छा गाड़ी का सीट हाइट है। काफ़ी कॉम्पैक्ट इसका साइलेंसर यूज किया गया है, साउंड भी काफ़ी बेसी है, ये वीडियो के आखिरी में मैं आपको सुनाने वाला हूँ। यहाँ पे 232 mm का रियर डिस्क प्रोवाइड करती है, यहाँ कोई भी ABS नहीं है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 140 mm का रेडियल टायर यूज करती है, 17 इंच का एलॉय, हेलोजन बैकलाइट का इस्तेमाल किया गया है और साइड में टर्न इंडिकेटर भी हेलोजन ही है और दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर इसके साथ आ जाता है। फाइबर अच्छी क्वालिटी का है, फिट एंड फिनिश का पूरा ध्यान रखा गया है। बाइक के अंदर काफी अच्छी चीजें हैं तो कुछ कमी भी है। कमी के बारे में बात करें तो बाइक के साथ आती है 5 गियर शिफ्ट, जबकि यहाँ 6 गियर होता है तो ज्यादा बाइक को स्मूथ बनाती, एक गियर तो और होना चाहिए बाइक के अंदर। और साथ साथ इंजन के पावर में भी थोड़ी कमी है, 12.4 BHP का पावर है, जबकि ये 15 BHP का होता है तो काफी पावर प्रोवाइड करता बाइक को। अब बात करते हैं यमहा FZS मोस्ट सेलिंग बाइक क्यों है। सबसे बड़ा रीजन क्या है, आपको सीट काफ़ी स्पेशियस मिलता है, आप किसी भी लेडी को आराम से पीछे बैठा सकते हो जो कि MT और R15 में काफ़ी मुश्किल है। प्लस बाइक की कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है, रेडियल टायर के साथ आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है बाइक की, हैंडल बहुत ही लाइट है और हाइट हैंडल का काफ़ी ऊपर है जिससे आपको बैक पेन और किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम बात करते हैं बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। सामने आपको यमहा की बैजिंग मिलती है, साथ साथ ऑडोमीटर है जो हमने 23,596 किलोमीटर चलाया है, स्पीडोमीटर आपको यहाँ मिलता है, फ्यूल इंडिकेटर यहाँ से आप देख सकते हैं। बाइक के साथ 2 ट्रिप मीटर आता है, ट्रिप 1 ट्रिप 2, और आपको टाइम भी साथ साथ मालूम चलेगा। इस स्क्रीन पे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, किसी भी टाइप का गियर इंडिकेटर नहीं है इस बाइक में, ना साइड स्टैंड इंडिकेटर है। प्लस एक मुझे नेगेटिव पॉइंट ये लगता है कि काफ़ी छोटा डिस्प्ले यूज किया यहाँ यमहा ने, यूज कर सकती थी इसको MT जैसी डिस्प्ले जो। और हैंडल पे आपको यहाँ इंजन किल स्विच मिल जाएगा, यहाँ हॉर्न का प्लेसमेंट अच्छी जगह किया गया है और यहाँ से आपके लिए पास बटन है, हाई बीम लो बीम पास बटन है, टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ मिल जाता है। प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है, फिट एंड फिनिश भी अच्छी है इसकी हॉर्न का। तो चलिए अब हम बाइक को चला के देखते हैं कि 25,000 किलोमीटर चलने के बाद बाइक में क्या पिकअप है, ब्रेक रिस्पॉन्स क्या है, आइए देखते हैं। तो चलिए अब हम चेक करते हैं बाइक का पिकअप कैसा है। इनिशियल पिकअप तो बाइक की बहुत अच्छी है,
आप चेक देख सकते हैं कि हमने अभी सेकेंड गियर शिफ्ट लगाया है और सबसे अच्छी बात बाइक के साथ है कि कॉर्नर पे काफी कॉन्फिडेंट मिलेगा आपको। रेडियल टायर यूज किया गया है जिससे काफी कॉन्फिडेंट मिलेगा। ब्रेक रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। अभी गाड़ी 35 के अप्रोक्स है। मैंने पिछला ब्रेक अप्लाई किया है, पिछला ब्रेक भी काफी डिसेंट है, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। अब हम थोड़ा हाई स्पीड पे ले आके फ्रंट ब्रेक यूज करते हैं बाइक का। फ्रंट का कैसा फीडबैक है, क्या रिस्पॉन्स है? बाइक ट्रैफिक के लिए बिल्कुल एक्सीलेंट है। आप इसे सिटी यूज के लिए ले सकते हैं, सिटी राइड के लिए। फर्स्ट गियर पे देखते हैं गाड़ी क्या स्पीड तक जाती है। 25 तक जा रही है फर्स्ट गियर पे। पीछे पिलियन बैठे हैं और 30 तक इजली जा रही है सेकेंड गियर पे। पिकअप की कोई कमी नहीं है, इनिशियल पिकअप काफी अच्छा बाइक का। और फ्रंट ब्रेक का रिस्पॉन्स 50 के स्पीड पे मैं चेक कराता हूँ आपको, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है ब्रेक का भी। अब बात करते हैं बाइक के माइलेज के बारे में। 25,000 किलोमीटर चलने के बाद माइलेज अभी भी 42-45 किलोमीटर का आपको मिल जाएगा सिटी के अंदर। अगर आप हाईवे पे इसको चलाते हैं तो हाईवे पे 47-48 तक का माइलेज मिलेगा। मैं इसे हाईवे पे उत्तराखंड ले गया था, हाईवे पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है माइलेज को भी लेके और बाइक के परफॉर्मेंस को भी लेके। आप 70-80 के स्पीड पे बाइक को क्रूज कर सकते हैं, काफ़ी स्टेबल रहती है हाई स्पीड पे भी बाइक। 70-80 काफ़ी अच्छा स्पीड है इस बाइक के लिए, तो किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको।